जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं राणा जहांसेब और आप देख रहे हैं जैसे जहांसेब यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि टिकटॉक से आप इजीली अर्निंग कैसे कर सकते हैं। टिकटॉक ने कुछ महीने पहले ये इनेबल किया था कि जो उनके प्लेटफॉर्म पर नया पर्सन लेकर आएगा, यानी कि कोई भी शख्स रेफरल कोड से उनके प्लेटफॉर्म में कोई दूसरे अकाउंट को रजिस्टर करवाएगा तो उसे अर्निंग दी जाएगी। तो इससे भी काफ़ी ज़्यादा लोगों ने पैसे बनाए थे, मगर ये जो तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ इसके बारे में शायद ही आपको मालूम हो। हम टिकटॉक को सिर्फ और सिर्फ स्क्रॉल करते रहते हैं, अपना टाइम वेस्ट करते रहते हैं, फजूल वीडियोस के अंदर हम इतना टाइम गुजार देते हैं, फिर हमें मालूम नहीं होता यार कि हमने ये वक्त किस तरह सर्व कर दिया है। उसी टाइम को आपने अपने स्किल्स के अंदर चेंज करना है, मैं हमेशा ये बात कहता हूँ, इसलिए इस वीडियो में भी ये बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए टिकटॉक अगर आप चाइना में जाएँ तो आपको वहाँ पर अवेलेबल नहीं होगी, टिकटॉक चाइना के अंदर बैन है। तो ये टिकटॉक किसी दूसरी एप्लीकेशन के नाम से चाइना में अवेलेबल है, मगर आप उसको अगर ओपन करके देखें तो वहाँ पर ऐसा कंटेंट नहीं देखा जाता जो कि पाकिस्तान में देखा जाता है। उनका जो कंटेंट है वो बिजनेस रिलेटेड है या फिर एजुकेशनल पर्पस के रिलेटेड है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपने टिकटॉक को अपने कारोबार के रिलेटेड बनाना है, अपने कारोबार की सेल्स को इंक्रीज कर सकते हैं। टिकटॉक पर कुछ महीने पहले जिनकी शॉप का नाम जमजम इलेक्ट्रॉनिक्स है, जो कि दुबई में अवेलेबल है, तो दोस्तों ये भी तो टिकटॉक बनाते हैं, मगर टिकटॉक बनाने के साथ साथ इन्होंने मार्केटिंग की है, इन्होंने टिकटॉक को फनी तरीके से पेश किया है, इससे उनकी जो मार्केटिंग की सेल्स है वो इंक्रीज हो चुकी है। तो दोस्तों इसी तरह आपने भी जो टिकटॉक है उसको बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से क्रिएट करना है। अगर आप टिकटॉक की वीडियो सिंपली क्रिएट करते हैं, कुछ सॉन्ग लगाकर स्लोमो बनाकर टिकटॉक की वीडियोस क्रिएट करते हैं, तो मेरी आपसे गुजारिश है आप ये काम छोड़ दें, क्योंकि ऑलरेडी इस पर काफी ज्यादा ऑडियंस मौजूद है और कंपटीशन भी बहुत ज्यादा है। क्यों ना आप उसी चीज के रिलेटेड वीडियोज बनाए, इसके बारे में आपको बहुत ज्यादा नॉलेज है। तो दोस्तों आपसे गुजारिश है कि आप अपने कारोबार के रिलेटेड वीडियोस बनाएं, आप जमजम इलेक्ट्रॉनिक्स को फॉलो करें और उसी तरह के वीडियोस बनाएं। इसके अलावा जब आप डेली 4 से 5 वीडियोस अपलोड करेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता आपका जो टिकटॉक अकाउंट है वो ग्रो होना शुरू हो जाएगा। तो कैसे आपने अपने टिकटॉक अकाउंट को ग्रो करना है, उनके ऊपर किस तरह की बिजनेस वाली वीडियोस होनी चाहिए और उस बिजनेस वाली वीडियोस के लिए आपकी सेटिंग्स क्या होनी चाहिए ताकि आपकी जो वीडियोज हैं वो ज़्यादा लोगों तक जाए, इसके लिए हम अपने मोबाइल की स्क्रीन पर चलते हैं ताकि आपको तमाम इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाए कि जब भी कोई टिकटॉक अकाउंट वायरल होता है तो उसके पीछे कौन कौन सी सेटिंग की जाती है। तो इस वीडियो को आपने बिल्कुल भी मिस नहीं करना। अगर आप अपने टिकटॉक के अकाउंट से अर्निंग करना चाहते हैं, अपनी सेल्स को इंक्रीज करना चाहते हैं और अपने टिकटॉक अकाउंट को वायरल करना चाहते हैं, नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि आप चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो दोस्तों बिना देर के वीडियो को करते हैं स्टार्ट। नंबर यहाँ पे मैं टिकटॉक को ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ दोस्तों यहाँ पे मैं टिकटॉक को ओपन कर लिया है, आपको मेरा अकाउंट नजर आ रहा है, जल्दी जाकर फॉलो कर लें। तो अभी हम बात करते हैं कि कैसे हमने इसके ऊपर मार्केटिंग भी करनी है और हमने कौन सी ऐसी सेटिंग करनी है जिससे जो हमारा अकाउंट है ना वो वायरल हो। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने तकरीबन 3 से 4 वीडियो डाली थी, वो भी एक एक मंथ के वक्त के ऊपर डाली हैं। तो अभी मुझे मालूम भी नहीं है कि इसके ऊपर फॉलोअर कब आए हैं, लाइक्स कब आए हैं, मैंने तो इसको अभी ओपन किया है आप लोगों के सामने। अच्छा, मैंने एक बार सेटिंग करके रख ली थी। तो आपने यहाँ पर आना है, 3 डॉट्स पे क्लिक करना है, यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन मिलते हैं, सेटिंग्स एंड प्राइवेसी पे आपने आना है। सेटिंग्स एंड प्राइवेसी पे आने के बाद आपको काफ़ी ज़्यादा सेटिंग्स यहाँ पे मिलती है। सबसे पहले हम अकाउंट के ऑप्शन पे जाते हैं। अकाउंट के ऑप्शन पे जाने के बाद आपको यहाँ पर अकाउंट इन्फॉर्मेशन जो नज़र आ रही है ना, इसके अंदर आपको मुकम्मल तौर पे आपका जो यूज़र नेम वगैरह उसके बारे में इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। सबसे पहली बात, अगर आप अपने जो टिकटॉक का इसको बिजनेस अकाउंट के तौर पे इस्तेमाल करते हैं ना, तो यहाँ पर मुझे इतनी जल्दी ग्रोथ देखने को नहीं मिली। तो जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करते हैं ना, आपका जो अकाउंट है वो प्रोफेशनली तो हो जाएगा, मगर यहाँ पर मुझे ग्रोथ यहाँ पर इतनी जल्दी देखने को नहीं मिली है। तो इसलिए आपको मैं रेकमेंड यही करूँगा, अगर आप स्विच टू बिजनेस अकाउंट करते हैं ना तो फिर आपको इतना फ़ायदा नहीं होगा। आप इसको जब कर सकते हैं बिजनेस अकाउंट, जब आपका जो पर्सनल अकाउंट है ना वो वायरल हो जाए, उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा फॉलोअर्स इंक्रीज़ हो जाएं। जब आपके फॉलोअर्स इंक्रीज हो जाएं उसके बाद आप इसको बिजनेस अकाउंट में कन्वर्ट ईजिली कर दें, फिर आपको बेनिफिट भी ज़्यादा होगा। उसके बाद हम प्राइवेसी में आते हैं। प्राइवेसी में आने के बाद सबसे पहले आपने एक्टिविटी स्टेटस इसको ऑन रखना है, सुजेस्ट योर अकाउंट टू अदर, इसको आपने बिल्कुल भी नहीं छेड़ना। जो भी आपके पास विश हो रही है ना उसको आपने इनेबल कर देना है। आप तमाम देख सकते हैं
फेसबुक फ्रेंड्स इसको भी इनेबल कर दें, पीपल विद म्यूचुअल कनेक्शन इसको भी इनेबल कर दें, पीपल हु ओपन और सेंड लिंक्स टू यू इसको भी ओपन कर दें। अब जो कॉन्टैक्ट्स है ना इसको मैंने खुद हाईलाइट किया, लेकिन आपने इसको इनेबल करना है अगर आप कोई बिजनेस करते हैं। जो कॉन्टैक्ट्स है ना इसको मैंने खुद हाईलाइट किया हुआ, इसकी वजह यह है कि फिर वो जो कॉन्टैक्ट्स होते हैं ना हमारे मोबाइल के अंदर उनको सबको हमारी आईडी शो हो रही है और उनको भी हमारी आईडी शो हो रही है। ये आपकी मर्जी है कि आप इनको कॉन्टैक्ट्स को इनेबल करना चाहते हैं कि नहीं। यहाँ पर मैंने हाई ऑफ किया हुआ है। अच्छा अभी हमारे पास अगली ऑप्शन आती है लोकेशन सर्विसेज, इसको यहाँ पर मैंने नेवर पे क्लिक किया क्योंकि यहाँ पर जो टिकटॉक है ना वो हमारी लोकेशन सर्विस को एक्सेस कर सकता है, तो इसलिए आपकी मर्जी आप इसको नेवर पे क्लिक करते हैं तो नेवर पे रहने दे। अगर आप इसको वाइल यूजिंग पे क्लिक करते हैं ना तो आपको टिकटॉक ऐसे एड्स दिखाएगा जो आपके नियरेस्ट हों और आपके नीच के रिलेटेड हो। मिसाल के तौर पर आपने कोई कारोबार शुरू किया हुआ है, किसी भी तरह का परिंदों का कारोबार है आपका, तो आपको परिंदों के रिलेटेड जो एड्स होंगे ना टिकटॉक दिखाएगा आपके जो इर्द गिर्द होंगे। अगर आपका कारोबार है तो फिर आप इसको इस्तेमाल करें, अगर आपका कारोबार नहीं आप पर्सनल यूज़ करना चाहते हैं तो नेवर पर क्लिक रखें। तो हमारे पास अगली सेटिंग आती है कमेंट्स की। कमेंट में आपने फिल्टर स्पैम एंड ऑफेंसिव कमेंट इसको इनेबल करना सिर्फ, और फिल्टर कीवर्ड वगैरह को इसको सबको आपने ऑप्शन को सिलेक्ट नहीं करना। अगर कमेंट है ना जो उसको एवरीवन पे आपने थ्रू क्लिक करना है। मेंशन एंड टैग्स के अंदर आपने व्हेन यू आर मेंशन इसके ऊपर क्लिक करना है, मेंशन एवरीवन टैग्स एवरीवन। इन तमाम सेटिंग्स को आप देख लें और इनको इसके मुताबिक करते रहें तो आपकी जो अकाउंट है वो जल्दी वायरल भी होगा अगर आप डेली रूटीन पर इसके ऊपर वीडियोज़ डालते हैं। आपको मैं तमाम चीज़ें जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता करके दिखा देता हूँ। अच्छा आपने आना है पोस्ट व्यू पे, तो आपने इसको इनेबल करना है, आपने प्रोफाइल व्यू पे आना है इसको इनेबल कर देना है। और ये दो चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा आपने लाइक वीडियोस भी आना है, इसको भी आपने ऑनली में कर देना है कि आपकी जो लाइक वीडियो है वो सिर्फ आप देख सकें और कोई भी ना देख सकें। इसके बाद आपने आना है एसेसिबिलिटी में, ठीक है। तो जैसे ही आप एसेसिबिलिटी में आएंगे ना तो यहाँ पर आपने पहले एनिमेटेड थंबनेल पे क्लिक कर देना है। एनिमेटेड थंबनेल पे क्लिक करेंगे तो आपका जो थंबनेल है ना वो आपको एनिमेटेड नजर आएगा, यानी कि हिलता हुआ नजर आएगा, जिससे जो व्यूअर है ना वो जल्दी अट्रैक्ट होता है। रिमूव फोटो सेंसिटिव वीडियो इसको भी आपने इनेबल नहीं करना, इसको आपने इनेबल नहीं करना हर के, ठीक है। ऑटो वॉल्यूम एडजस्टमेंट को आपने इनेबल कर देना है, ये ऑप्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा हमें मजीद जो सेटिंग्स है वो करने की ज़रूरत नहीं है, वो टिकटॉक ऑटोमेटिकली कर देगा, ठीक है। तो ये जो सेटिंग्स थी ये करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी, आपने ज़रूरी करनी है। इसके बाद आपने कैसे अकाउंट को वायरल करना है, आपने डेली रूटीन पर वीडियोज़ डालनी है और मार्केटिंग के रिलेटेड वीडियोज़ डालनी है। तो अभी आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ कि किस तरह की वीडियोज़ आपके होनी चाहिए। यहाँ पर मैं टेप करता हूँ जम जम इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है दोस्तों। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इनकी जो वीडियोज़ है ना इनके मुताबिक आप वीडियो डाल सकते हैं। तो दोस्तों ये अपने जो फ़ोन की इनकी दुकान है, ये फ़ोन के मार्केटिंग करते हैं, या फिर अगर आपका कोई यूट्यूब चैनल है ना, मिसाल के तौर पर आपका यूट्यूब चैनल है, मेरा यूट्यूब चैनल है, उसको मैं सर्च कर लेता हूँ आज ये बर्ड्स किया, ठीक है। यहाँ पर मैं इसको सर्च कर लेता हूँ, मैंने यहाँ पर तकरीबन थोड़ी बहुत ही बर्ड्स के रिलेटेड वीडियोज़ डाली होंगी, ये आप देख सकते हैं कि उसको मैंने बर्ड्स के रिलेटेड 3-4 वीडियो डाली हुई हैं। तो अब अगर मैं इसके ऊपर डेली रूटीन पे वीडियो डालता हूँ ना, फिर इसके ऊपर लाइक्स वगैरह आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आप इसके रिलेटेड डाल सकते हैं, फिर आप लिंक्स दे सकते हैं, तमाम चीज़ें आपको मिल जाएंगी। यानी कि अगर कोई चीज़ सेल हो रही है तो मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैं लिखता हूँ कैमरा फोर सेल, ठीक है। अभी कोई भी चीज़ है ना, मैंने यहाँ पे देखा है कैमरा फॉर सेल, अभी आपको यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मार्केटिंग के रिलेटेड वीडियोस नज़र आ रही हैं, ठीक है। तो ये जो वीडियोस है ना इसी तरह आपने भी वीडियोस क्रिएट करनी है, और अगर आपका कोई बिजनेस है, आप दुकान वगैरह है, इसी तरह आप यहाँ पर वीडियोस डालकर अर्निंग कर सकते हैं। जो सेटिंग मैंने आपको बताई है सिर्फ आपने वो सेटिंग करनी है और फिर जो अपनी सेल्स है ना वो इंक्रीज करते रहना है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।